देखिए सना मकबूल का जो पूरा टेम्परामेंट है वो हर चीज़ बहुत कैलकुलेटेड वे में करती है। मैं ये बोलना चाहूँगा कि वो बहुत चालू है। सना ने क्लियरली बोल दिया कि वो उनके पास एक अच्छे दोस्त थे और कुछ नहीं शादी वाली बात पे कि हूँ श्रीकांत, एंड उनका रिएक्शन भी काफ़ी शॉकिंग था। जिसके साथ कार पे बैठ कर जा रहे हो आप फर्स्ट रिएक्शन आपका ये था कौन श्रीकांत, आप ये नहीं कर सकते कि हमारी सा लैंडिंग में शादी होने वाली, उनको लेने तक अपनी गाड़ी में वो गए। दोस्तों बिग बॉस ओटीटी 3 की विनर सना मकबूल इन दिनों अपने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट को लेके सुर्खियों में बनी हुई है। जी हाँ, फिलहाल में उनका एक वीडियो वायरल होता है इंटरव्यू के दौरान जहाँ पे वो कहती हैं श्रीकांत वही हैं सना मकबूल जिन्होंने आपको सपोर्ट किया है पूरी जर्नी में, श्रीकांत वही हैं जो आपको गाड़ी में लेने आए थे, श्रीकांत वही हैं जिनकी फ़ोटोज़ आपके साथ सोशल मीडिया पर डली हुई हैं, आपके पर्सनल टाइम की जो फ़ोटो हैं या फिर आपके पर्सनल स्पेस की जो फ़ोटोज़ हैं वो सब वहाँ पे हैं, और ये वही श्रीकांत हैं जो कहते थे कि इस साल एंडिंग में हमारी शादी होगी। पर सीधा सीधा इनकार कर दिया सना मकबूल ने कि हम सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अब या तो सना मकबूल झूठ बोल रही हैं या तो फिर वो झूठ बोल रहे हैं या दोनों में से कौन सच बोल रहा है जनता से जानते, क्योंकि जनता जनार्दन सब जानती है। और इसी बीच न्यूज़ रूम में हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। सबसे पहले तो हमारे साथ मौजूद अंकित, तो अंकित का अंकित से यही सवाल है कि सना मकबूल कूल या फूल उनके इस बयान के बाद? करना सना मकबूल को बोल सकते हैं बहुत चालू हैं, अभी तक तो वो बोल रही थी कि हम उनके साथ शादी करने जा रहे हैं, लेकिन इससे एक चीज़ और आकलन लगाया जा सकता है कि क्या कोई और लोग भी हैं उनके साथ, क्योंकि नेजी के साथ उनका नाम लिया जा रहा है, बमाए जो एंगल वो दिख रहा है। अब नेजी के साथ आप तो बता रहे हैं नाम लिया जा रहा है, लेकिन तो फेवरेट है। हाँ, क्योंकि नेजी तो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी दिखे थे, मीडिया वालों को रगड़ कर रख दिया था, तो फिर कैसे बोल सकते हैं कि नेजी के साथ? हाँ, नेजी के साथ सॉफ्ट कॉर्नर दिखा था घर के, सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन अब हो सकता है उन दोनों में कुछ विवाद चल रहा हो, अभी ये तो क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या चल रहा है, लेकिन हो सकता है उनके लाइफ में कोई और भी हो। लेकिन जीतने के बाद ही अंकित बैक ऑफ कर जाना अपने स्टेटमेंट से, तो कौन सच्चा है और कौन झूठा है बताइए? अब तो वही जानती होंगी क्या चल रहा है उनके दिमाग में। लेकिन आपका एज अ व्यूअर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये बोलना चाहूँगा कि वो बहुत चालू हैं, हो सकता है उनके लाइफ में कोई और भी हो सकता है, ऐसा है। बिल्कुल, तो इस बीच और भी लोग हैं उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर उनकी क्या राय है स्टेटमेंट पे। दीपांशी हमारे साथ मौजूद है, वैसे तो खाना खा रहे हैं, चटपटी खबर है, चटपटा ही आप खा रहे हैं। सना मकबूल घर के अंदर जब थी उन्होंने कहा मेरा बाहर कोई है, हमारी शादी होने वाली है, उनके बॉयफ्रेंड श्रीकांत ये कहते थे कि इस साल एंडिंग में हमारी शादी हो जाएगी, लेकिन अब एक इंटरव्यू में सना मकबूल कहती हैं हूँ श्रीकांत वो तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, तो या तो वो झूठ बोल रहे हैं या तो फिर वो सच्चे हैं, या तो फिर वो सच्चे हैं तो वो झूठे हैं। आप एज अ बैक ऑफ क्यों किया जीतने के बाद ही? उसका अपना थॉट हो सकता है, जैसे मतलब मैंने थोड़ा इस बार देखा नहीं इतना बिग बॉस वगैरह, तो मुझे ज़्यादा पता भी नहीं कि उसने क्यों स्टेटमेंट दी या क्या दी। बाकी मुझे लगता है कि हो सकता है उन्होंने म्यूचुअली कुछ डिसाइड किया हो बाहर आने के बाद, जो उन्होंने इंस्टेंट अपनी स्टेटमेंट बदली है, तो हो सकता है कि म्यूचुअल डिसीजन भी हो। वो जीती थी, श्रीकांत का बयान आता है कि हमारी इस साल एंडिंग में शादी होने वाली, उनको लेने तक अपनी गाड़ी में वो गए, तो उसके बाद ही मोए मोए हो गया उनके साथ, हो सकता है फेम थोड़ा सर चढ़ गया हो, क्या कह सकते हैं। चलिए, जीतने के बाद और उनका नेजी के साथ नाम जोड़ा जा रहा है, बमाए एंगल एक दिख रहा है उनके साथ, एक सॉफ्ट कॉर्नर उनकी तरफ दिख रहा है, तो क्योंकि जेलस भी अरमान सॉरी जेलस भी नेजी होते हुए नजर आए थे बीच में, तो उसको लेके क्या कहें? हो सकता है, बाकी काफ़ी सीजन में हमने जैसे कि देखा ना कि ये सब एंगल्स जब आते हैं तो इन लोग जो ये हाउसमेट होते हैं तो इनको ये चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आगे चल के इनको पॉपुलैरिटी फिर इन्हीं से मिलती है, जो भी ये हैशटैग उनके ट्रेंड्स और फैन क्लब पेजेस वगैरह बन जाते हैं तो उनको फिर वो आगे चल के प्रमोट करते रहते हैं ना उस तरह का कंटेंट, तो इन लोगों को भी पब्लिसिटी और DRP मिलती रहती है, तो इस वजह से भी शायद वो कंटिन्यू करना चाहते हो। आरुषि, आप चाउमीन का लुत्फ तो उठा रही हैं, लेकिन ये बताइए सना मकबूल का ये जो स्टेटमेंट है इसके बाद वो कूल या फूल क्या नज़र आ रही है? हाँ देखिए, सना मकबूल का जहाँ तक मुझे आइडिया है वो बिग बॉस की ट्रॉफी उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड का शेयर की थी एक पार्टी में, वो लोग मुझे साथ में नजर आए थे जिसमें उनके बॉयफ्रेंड ने बकायदा वो ट्रॉफी जो है, अब मैं बॉयफ्रेंड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो पोस्ट जिसने शेयर की थी उसका कैप्शन उन्होंने यही दिया था कि ये जो र्यूमरस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये आफ्टर विनिंग वो अपनी ट्रॉफी उसका शेयर करती नजर आ रही है। हालांकि कई जगहों पर मैंने कॉन्ट्रोवर्सी भी रीड की है कि वो शायद से इस बात से नकार रही है कि वो उनका बॉयफ्रेंड नहीं है, उनका फ्रेंड है, हालांकि इस इंडस्ट्री में चलता है फ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाता है, बॉयफ्रेंड फ्रेंड जाता है, तो ये सब तो चलता ही रहता है। हालांकि मुझे पता नहीं कि उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया होगा, लेकिन हाँ ये कंट्रोवर्सी मैंने भी सुनी है, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि जीतने के बाद जब कोई इंसान कंट्रोवर्सी में आता है तो लोगों को उसके बारे में बात करने में बहुत मजा आता है, तो अभी क्या अपडेट है? अभी वो है उसके बॉयफ्रेंड? देखिए, श्रीकांत की तरफ से कहा जा रहा था कि हम इस साल शादी करें, श्रीकांत वही है जो घर के बाहर उनको सपोर्ट कर रहे थे, श्रीकांत वही है जिनके साथ उनकी फोटो पर्सनल फोटोज हैं जहाँ पे एक दूसरे को किस करते हुए नजर आ रहे हैं, तो या तो वो झूठा है या तो फिर ये सच्चे। एक और चीज़ है, जब सना मकबूल जब बिग बॉस में गई थी तो लोगों की
फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि वो बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, बहुत खूबसूरत है। कल जब हमारे चैनल पे भी उनका इंटरव्यू चला था, हम भी कहते कि शी इज़ सो प्रिटी एंड शी इज़ सो ब्यूटीफुल। उसके बाद फिर जब ये बात सामने आई कि श्रीकांत उनके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं र्यूमर्स, तो फिर लोगों ने कहा था कि सना मकबूल की क्या चॉइस है, क्योंकि लोगों ने उनके अपीयरेंस से उनको काफ़ी जज करना शुरू कर दिया था। तो मे बी शायद से एक फेम मिलने के बाद सना मकबूल मे बी शायद से उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करना चाह रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको अपॉर्चुनिटीज़ और मिली होगी और लोगों ने उनका अप्रोच किया होगा, तो शायद से इस बात से वो नकार रही हो। मे बी इसी स्टेटमेंट पर मैं आना चाहता हूँ, बमाए एक एंगल उनका सामने आ रहा है नेजी के साथ, नेजी के घर के अंदर भी उनके साथ सॉफ्ट कॉर्नर था, तो लोग उनके नेजी के साथ भी प्रोजेक्ट भी आ रहा है, तो उन्होंने कहा नेजी के साथ कहीं कुछ बमाए एंगल कहीं चल रहा है, तो कह नहीं सकते हैं, देखना मज़ेदार होगा अगर ऐसा होता है। तो अगर ऐसा होता है तो इस पर भी हम लोग एक ज़रूर डिबेट करेंगे और इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि अच्छा फेम मिलने के बाद इंसान की नीयत अगर डगमगाती है तो वो कैसे डगमगाती है, ये देखना मज़ेदार होगा। ये चलते नहीं है ना, जैसे वो आसिम रियाज और उसका कौन हिमांशी खुराना थी ना, और शायद अभी वो लोग हैं रिलेशनशिप में, नहीं है ना, तो वही होता है कि उसने भी अपना काफ़ी सालों पुराना रिलेशनशिप तोड़ा था कि आसिम के साथ उसका जो फेम नाम जोड़ने के बाद जो उसको फेम मिल रहा था उसकी वजह से वो थोड़ी पॉपुलर हो गई थी। उनको उससे पहले पंजाबी इंडस्ट्री के अलावा थोड़ा बहुत लोग जानते थे, वरना कोई ऐसा नहीं जानता था। बिग बॉस में आने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी थी, तो उन्होंने उस चीज़ को कंटिन्यू करा, बट वो भी एक टाइम पे आकर दी एंड हो गया। और मुझे लगता है कि अगर नेजी और ये जो भी सना नाम है ये लोग भी अगर इसको कंटिन्यू करेंगे तो सिर्फ इसलिए कि उनको नाम पर प्रोजेक्ट्स मिलते रहे, आगे काम मिलता रहे, और वो भी आगे जाके फिर यही होने वाला है। तो जिस तरह आपने इनका ये राय जान ली कि जिस तरह इन्होंने यही कहा है कि पब्लिसिटी के लिए या फिर आगे उनको प्रोजेक्ट मिलते रहे या फिर आगे इस लाइमलाइट में वो रहें, इस चीज़ के लिए वो लगातार ये स्टेटमेंट जो है वो जारी कर रही हैं। लेकिन इसी बीच मिली जिस तरह से एक कंट्रोवर्शियल बयान जो है वो सामने आया है सना मकबूल का, कि उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि हु श्रीकांत, जो कि श्रीकांत वही है जो लगातार उनको सपोर्ट करते आ रहे थे, श्रीकांत वही है जो मीडिया के सामने बात कहते हैं कि इस साल हमारी शादी होने वाली है, इस साल एंडिंग में, तो थ्रू आउट जर्नी जो आपको सपोर्ट करता है और आप जीतने के बाद ही तुरंत उसको आप भूल जाते हो और बोल देते हो कि हमारे बीच तो कुछ था ही नहीं, तो इट इज़ अ पब्लिसिटी स्टंट या फिर क्या एंगल जो है आपको दिख रहा है, क्यों आप फॉलो कर रहे हैं बिग बॉस शुरू से? बेसिकली सना मकबूल का इंटरव्यू एक मैंने सुना है जिसमें वो ये कहती नज़र आ रही है अपनी शादी वाली बात पे कि हु श्रीकांत, एंड उनका रिएक्शन भी काफ़ी शॉकिंग था। उसके बाद उन्होंने ये कहा श्रीकांत इज माई वेरी गुड फ्रेंड एंड ही सपोर्टेड मी थ्रू आउट माई जर्नी, बट शादी के बाद पर उन्होंने सीधा मना कर दिया था। और आप जो कह रहे हो कि श्रीकांत ने ये ओपनली बोला है कि हाँ दे आर गेटिंग मैरिड सून, और सना मकबूल इस बात से इनकार करें, तो मे भी शायद उस चीज़ को प्रीवियस मतलब प्राइवेट रखना चाह रही हूँ इस वजह से, तो पब्लिकली इसको भी। इसी बीच एक एंगल निकल के आ रहा है बमाए एंगल, जो कि नेजी और सना मकबूल का घर के अंदर भी हमने देखा काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर था नेजी की तरफ से, और वो कह रहे थे थोड़ा जेलस फैक्टर भी था, तो क्या नेजी और जो ये बमाए एंगल है क्या ये नए रिश्ते का नाम है ताकि वो रिश्ता ख़त्म हो सके? मेरे को नहीं लगता कि नेजी और सना में कुछ ऐसा खास है। हाँ बिग बॉस के शो में तो हर किसी का रिश्ता जोड़ देते हैं, अब सना और सई का भी तो उन लोगों ने जोड़ा ही था लोगों ने, और कितने सारे रील्स बने थे, बट मुझे नहीं लगता कि नेजी और सना का कुछ है। पर हाँ श्रीकांत के साथ क्या है वो अभी भी मिस्ट्री है, बिकॉज श्रीकांत कुछ और बोल रहे हैं और सना ने क्लियरली बोल दिया कि वो उनके पास एक अच्छे दोस्त है और कुछ है। तो जिस तरह से इन्होंने तो मिस्ट्री बताया अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं, इन्होंने इनकार किया कि नेजी और उनका कुछ एंगल नहीं है, लेकिन हाँ कुछ तो है जो सामने नहीं आना चाह रहा, कुछ तो है जो छुपा रही है सना मकबूल। इसी बीच हमारे साथ मौजूद है अनन्या मैम। अनन्या मैम, जिस तरह से ये बयान आया सना मकबूल का शॉकिंग रिएक्शन और जो बैक ऑफ कर गई, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ और आपके आपको भी, तो श्रीकांत वही हैं जिन्होंने उनको लगातार सपोर्ट किया है, जितने सालों से उनके साथ हैं, श्रीकांत वही हैं जो वोटिंग उनके लिए अपील करते रहे, श्रीकांत वही हैं जो उनको लेने आए, श्रीकांत वही हैं जिन्होंने जिनके साथ उनकी एक किस करते हुए तस्वीर थी, पर्सनल फ़ोटोज़ थी, इन्जॉय करते हुए फ़ोटोज़ थी, स्पेशल बर्थडे पार्टी प्लान करते हुए थे, तो वो श्रीकांत कहाँ गए और वो श्रीकांत जो बोलते थे कि हमारी शादी होने वाली है, या तो वो सब चीज़ें झूठ हैं या फिर सना मकबूल सच्ची है, तो सना मकबूल आपके हिसाब से कूल या फूल स्टेटमेंट के बाद? बिल्कुल भी नहीं, मेरे हिसाब से टोटली फूल, बिकॉज आप जो आपके लिए इतनी सारी चीज़ें कर रहा है, आप कम से कम ये शॉकिंग रिएक्शन, आप जिसके साथ कार पे बैठकर जा रहे हो, आप फर्स्ट रिएक्शन आपका ये था कौन श्रीकांत, आप ये नहीं कर सकते, जो आपकी पर्सनैलिटी को बताता है कि आप कैसी हैं। आप आपके बेस्ट फ्रेंड के बारे में जब बात की तो आप अपने रिएक्शन ही देने से मना कर दिया, ये वो वाली बात। मुझे लगता है इतना तो बॉलीवुड स्टार्स भी वो इस तरह से बात नहीं करते, वो हो सकता है कुछ बोलेंगे नहीं, बट वो ये नहीं कहेंगे कि कौन ये, आप तो सरेआम इस तरह से मना कर रही हैं कि मैं जानती नहीं, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है तो मैं एक क्लिक में नाम बोलूँगी तो आप करेंगे ओ ये रिएक्शन होगा ना आपका, पर आप ऐसे नहीं बोलेंगे ना कि कौन श्रीकांत, सॉरी कौन श्रीकांत। तो ये पर्सनैलिटी और ये मुझे लगता है उनका डबल स्टैंडर्ड है कि आप जब आए हो बाहर बिग बॉस से, आप जीतने के बाद ही के बाद आप थोड़ा लाइमलाइट में आ गए हो, हालांकि OTT वालों को कितना कब तक याद रखा जाता है ये सना मकबूल खुद भी जानती हैं, और
थोड़ी सी लाइमलाइट के लिए आप श्रीकांत, जिसने ये वहाँ पर बोला कि हाँ हमारी शादी होगी, हम बताएंगे जल्दी, सब प्लानिंग है एंड ऑफ द ईयर, उसके लिए आप इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये आपकी पर्सनैलिटी को कूल साउंड नहीं कराएगा, ये फूल साउंड कराएगा। एक एक लोग ये भी कह रहे हैं कि बमाए एंगल जो है वो सामने निकल गया और अपकमिंग दोनों का साथ में प्रोजेक्ट भी आने वाला है, तो क्या बमाए की वजह से रिश्ते में दरार आ रही है जो नेजी और सना का सॉफ्ट कॉर्नर घर के अंदर भी दिखा है? लेकिन नहीं, मुझे नहीं लगता। नेजी का भी तो एक स्टेटमेंट सामने आया था कि उनका श्रीकांत से जो भी है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जलस तो हल्की जलन तो दिखी, हो सकता है घर के अंदर उनका बहुत अच्छा बॉन्ड रहा दोनों का, हालांकि सना मकबूल का हर किसी से अच्छा बॉन्ड रहा, सिर्फ नेजी नहीं, मुझे लगता विशाल, लव कटारिया, सभी के साथ अच्छा उनका बॉन्ड था, तो मुझे नहीं लगता कि इस वजह से, और इस वजह से भी वो आप जिसके साथ जा रहे हैं, जो सब कुछ चीज़ें दिख रही हैं, आप उसे कैसे डिनाई कर सकते हैं? वो तो फिर चीज़ ही अलग हो गई ना, अगर आप उसे डिनाई कर रहे हो, जो सारी चीज़ें दिख रही हैं मैं उसके लिए मना नहीं कर सकती कि नहीं नहीं इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, नहीं दिख रही वो एक अलग बात है, जब सब कुछ सामने है तब आप डिनाई कर रहे हो, तो ठीक है अगर आपका ये बेस्ट बडी है तो आपके साथ प्रोजेक्ट उसके साथ चल रहे हैं, तो वो काम तो आप बहुत सारे लोगों के साथ करेंगे, आज नहीं कल नहीं आने वाले टाइम पे, पर जो आपके साथ आपके आपके उस वक्त में खड़ा रहा, कुछ नहीं, अब जब आप कुछ नहीं थे, जब आपको कोई जानता नहीं था, जब आपको ज़रूरत थी, और अब आकर आप उस पर उसके नाम पर आकर सॉरी इस तरह से रिएक्शन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ही इज़ माय बेस्ट बडी, तो ये मेरे को थोड़ा शॉकिंग लगेगा जी। चलिए, तो इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की और इसके बाद ही मुझे शाहरुख साहब का एक डायलॉग याद आ गया कि उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए जो आपके साथ तब थे जब आप कुछ भी नहीं थे, तो ये बात बिल्कुल लागू होती है सना मकबूल पर। उसी बीच सना मकबूल के एक बहुत चाहने वाले उनके फ़ैन हमारे साथ मौजूद हैं, आशीष सर, जिन्होंने प्रेडिक्शन भी की थी कि वही जीतेंगे। आशीष सर, उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए जो आपको तब जानते थे जब आप कुछ नहीं थे। सना मकबूल के सिर पर जीत का और फेम ऐसा चढ़ा कि अपने बॉयफ्रेंड को भूल गए, शादी के वादे को भूल गए और पूछती हैं कि हूँ श्रीकांत। अब देखिए, हम आप तो जानते नहीं हैं कि किससे किसकी क्या दोस्ती रही है, किसने किसके साथ क्या कमिटमेंट किए हैं, कमिटमेंट शादी तक थे नहीं थे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे कुछ भी वायरल है, किसी के साथ आप फ़ोटो डाल दीजिए, आप किसी फीमेल के साथ फ़ोटो डाल के देखिए, नीचे कमेंट आने लगेंगे, अरे बेस्ट हाफ, बेटर हाफ, और शादी हो रही है, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। आप चाहे वो किस करते हो फोटो थे सर? नहीं, वो अलग चीज़ है, वो अगर वो बिग बॉस की बात है या तमाम चीज़ों की, आम आजकल तो आम है, लेकिन किसके साथ क्या कमिटमेंट थे तो हम नहीं कह सकते, आप नहीं कह सकते। रही बात सना मकबूल की और उनके बॉयफ्रेंड की, तो वही मैं कह रहा हूँ, बॉयफ्रेंड थे नहीं थे क्या कमिटमेंट, वो खुद श्रीकांत ने खुद कहा कि हमारी शादी होने वाली थी, इस साल एंडिंग में होने वाली है, लेकिन वो सीधे सीधा मना कर रही हैं। नहीं देखिए, अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि सोच समझ कर बात करनी चाहिए, आपस में बैठ के बात करनी चाहिए कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो कम से कम बातचीत से पहले सुलझा लेना चाहिए था कि हाँ हम शादी करेंगे नहीं करेंगे, और श्रीकांत को भी बोलने से पहले सोचना चाहिए था कि सामने वाली बंदी शादी करेगी कि नहीं करेगी, तो तमाम चीज़ें हैं। अब आप कई सारी चीज़ें देखते होंगे, जैसे ओलंपिक में कई सारे देखते होंगे कि एक लड़का लड़की रिंग पहना देते हैं और वो एक्सेप्ट हो जाती है, वो कैमरे में आ जाते हैं, छा जाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने तुरंत जाकर रिंग पहना दी, बहुत टाइम पीरियड बाद उन्होंने फैसला लिया होगा कि अब हम सार्वजनिक करते हैं बात, तो वो सार्वजनिक करने वाली जो बात है वो उन्होंने अपने मन से बोल दी, वो अपने मन से बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है दोनों को बैठ के बातचीत करनी चाहिए कि क्या आगे का प्लान है और क्या करना चाहिए। तो जिस तरह उन्होंने कहा कि आपको सोशलाइज़ नहीं करना चाहिए जब तक आपके मन में कोई उसको लेके अड़चन हो या कुछ उसको लेके स्ट्रेस हो, तो तब तक आपको ऑफिशियल नहीं करना चाहिए। सर, थोड़ा सा आपका समय लेना चाहूँगा, सना मकबूल कूल या फिर फूल, जब वो पूछ रही हैं उनसे कि हु श्रीकांत, अगर आपका कोई दोस्त भी कुछ भी, अगर आपको उसका नाम बता तुरंत बोले हाँ हाँ, लेकिन उन कहती हु श्रीकांत, ये उनके तेवर हैं जीतने के बाद, तो क्या जीत का बुखार इतना चढ़ गया कि आप उनको भूल गए जो आपको तब जानते थे जब आप कुछ नहीं थे? देखिए, सना मकबूल का जो पूरा टेम्परामेंट है वो हर चीज़ बहुत कैलकुलेटेड वे में करती है, तो उसका ये जो बयान है वो भी उसने बहुत कैलकुलेट करके, उसका उसको क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, क्या ये क्यों बोल रही हूँ, इससे बोलूँगी तो पब्लिसिटी मिलेगी, इससे बोलूँगी तो ट्रोल होंगी, तो वो अपने खुद को ट्रोल भी करवाती हैं अगर, तो उसमें उनका अपना एक प्लान है, वो अगर नागिन कहती हैं अपने आप को तो वो समझिए कि उसके पीछे भी एक मिस्ट्री है। हाँ, एक स्ट्रेटजी है कि भैया मुझे गाली दो
चाहे वो जो है ना कि आप गाली देकर भी, नेगेटिव पब्लिसिटी भी पब्लिसिटी है, तो ये भी ये कहना चाह रहे पब्लिसिटी स्टंट है, पीआर स्टंट है। बिल्कुल पीआर स्टंट है। और सना मकबूल को चूंकि आप लगातार इंटरटेनमेंट को देखते रहे हैं, पूरे घर में आप देखिए कि कब उनको गाली खानी है। वो चाहती थी कि हमेशा मुझे चार लोग मेरे बारे में बात करते रहें, मुझे नेगेटिव ही कर मेरे हाँ कमेंट करें। वो जानबूझ के अपना एक काउंटर क्रिएट करती थी, तो उस ये भी एक स्ट्रेटजी है उनकी, मुझे मैं तो यही मान रहा हूँ। उन लोग कह रहे हैं कि नेजी और उनका भी कुछ बमाए एंगल चल रहा है, जिस वजह से रिश्ते में दरार आ रही है कहीं ना कहीं। नेजी पार्ट ऑफ गेम था, नेजी को इससे ज़्यादा उसने बहुत अच्छे से, जो बाहर से मुझे लग रहा है, ओके बस बहुत इस्तेमाल किया अच्छे से नेजी। और नेजी जैसे नेजी डे भी है और नेजी के साथ लेजी जाता भी ठीक ठाक है तो जो नेजी है ना वो मतलब एक तरह से दोस्त है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और वो केमिस्ट्री, नेजी भले अपने ख्यालों में कुछ भी पकाते रहें, सना मकबूल के लिए वो बहुत मतलब यूज एंड थ्रो है, नेजी है। बिल्कुल। तो ये कुछ राय थी सभी की, जो स्टेटमेंट थी सना मकबूल की कंट्रोवर्शियल, जो ने बयान जो थे वो सामने रखे थे। तो आपका इस पे क्या राय है, आपकी जो अपने व्यूज़ हैं, अपने कमेंट्स हैं, आप अपने सोशल मीडिया पे हमें लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन इज़ ऑल ओपन फॉर यू, तो वहाँ पे जाके अपनी राय भी लिखें कि आपको सना मकबूल के ये स्टेटमेंट, उनके ये शब्द आपको कैसे लगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलूंगा ऐसी एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।